सो स्टूडेंट, जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव. उसके लिए हमने क्या देखा कि लाइक वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, देन ये नेगेटिव है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर पावर. ये तो हमने आपको क्लियरली समझा दिया कि ये हमेशा आपका बेस होता है एंड दिस इज एक्सपोनेंट और पावर. ठीक है, तो ये बेस को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे. जब भी हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, देन वी नीड टू रेसिप्रोकेट एट द बेस. तो बेस यहाँ पर क्या था आपका, 1/5. रेसिप्रोकल से यहाँ पे क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे. ठीक है, ये हमने सिंपल पढ़ा. एक छोटा सा और एग्जाम्पल दें जिससे हम कंक्लूड कर सकें. लाइक इफ यू आर हैविंग सिचुएशन लाइक दिस, देन योर आंसर विल बी 2/3 to the power 9. -9 विल कन्वर्टेड इनटू +9 एंड बेस जो है रेसिप्रोकेट हो गया. इफ यू हैव 7/5 to the power -1/2 तो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है. पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में दी है, बट ये जो रूल पढ़ रहे हैं हम, ये सारे टाइप के नंबर्स के लिए है. इट मे बी नेचुरल नंबर, इट मे बी होल नंबर, इट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, और इट मे बी रैशनल नंबर और फ्रैक्शन. कुछ भी होगा, लॉ वर्क का वही रहेगा. मीन्स 7/5 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 5/7, एंड पावर जो नेगेटिव थी इट विल कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव. ठीक है, हमने ऐसे छोटे छोटे सम्स किए और अभी हम और करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग. बट इसको देखते हुए हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन राइट आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, बोथ हैव सेम मीनिंग. मीन्स नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, इसको इंटरनली अगर हम देखें तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है, और ये जो बेस है इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया है. ये आपको करके नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ. मीन्स ऐसी कोई भी सिचुएशन आई लाइक a to the power -b, सो यू कैन ईजिली राइट 1/a to the power b और 1/a to the power b, बोथ हैव सेम मीनिंग. तो कंक्लूजन क्लियर हो गया कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो जो भी आपका बेस है हम उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे. ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और लगेंगी जो मैं आपको अभी से ही क्लियर कर दूं. लाइक आई हैव a to the power 2 and b to the power 2, ऐसी कोई सिचुएशन आई सो आई कैन ईजिली राइट a/b whole to the power 2. ठीक है, कैसे, मीन्स इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मीन्स पावर इज सेम बट बेसिस क्या है, डिफरेंट है. वेन पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर डिफरेंट, सो वी कैन राइट बेस एज ए होल. मीन्स a/b एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंड होल टू द पावर 2 हो जाएगा. इसका वाइस वर्सा ले लें, लाइक आई हैव x/m x/y/m, सो आई कैन ईजिली राइट x/m y/m. ठीक है, मीन्स अगर होल में पावर है तो वो इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएगी, एंड अगर पावर सेम है बेसिस डिफरेंट है तो हम उसको होल में भी लिख सकते हैं. इसको हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड RHS to LHS भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं. अब डेफिनेटली इसको देखते हुए आपके माइंड में आएगा कि जरूरी है हमारे पास डिविजन हो, मल्टीप्लीकेशन भी तो हो सकता है. कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है लाइक x/m multiplied by y/m हो, देन अगेन यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, एंड बेसिस क्या है, डिफरेंट है, तो आप इसे होल में लिख सकते हैं. ठीक है, इसका उल्टा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए a/b c/m, सबसे पहले इनके बीच में कुछ नहीं है, मींस मल्टीप्लाई है, सो आप इसे a/m b/m and c/m लिख सकते हैं. मीन्स जो फॉर्मूला हमने डिवीजन के लिए पढ़ा, इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, कि इफ बेसिस आर डिफरेंट बट पावर इज सेम, देन आपको उसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन है तो उसे होल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. ठीक है, एक बार मैंने जो शुरू में पढ़ाया उसको वापस रिकॉल करा देती हूँ, और साथ में अभी जो हमने पढ़ा वो रिकॉल कर लेते हैं. इफ देखिए, ये सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है. सबसे पहले ये दो पार्ट हो गए, ये हमने अभी पढ़ लिया,
एंड ये हमने कल ऑलरेडी पढ़ा था कि इफ बेसिस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट एंड द ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन देन पावर विल बी एडेड. ठीक है, सेम यही फॉर्मूला हमने डिविजन के लिए भी पढ़ा. इफ बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट द ऑपरेशन इज डिविजन देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. अब आप खुद ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन अलग है, ये एप्लीकेशन अलग है. यहाँ पर बेस सेम है, लाइक 10 to the power m है और यहाँ भी 10 to the power है, 10 है, बेस क्या है 10 है, बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, बेसिस डिफरेंट है. ठीक है, ये पढ़ने के अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, क्योंकि पावर हमने पढ़ी कि नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो ज़ीरो भी तो हो सकती है. जब पावर ज़ीरो होगी किसी भी चीज़ की तो वो आंसर क्या आएगा, 1. इट मे बी नंबर, इट मे बी इंटीजर, कुछ भी हो, बट समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इस पे बेस्ड हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़े, लाइक 100 to the power 0 है तो भी आंसर क्या होगा, 1. -1 to the power 0 है तो भी आंसर क्या होगा, 1. लेट से a to the power 0 है तो भी आंसर क्या होगा, 1. मीन्स वेरिएबल हो, नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ये मैंने आपको इसलिए रिकॉल कराया कि अब हम क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी उसमें एप्लीकेशन होगा. ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अब हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका लेवल जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें लगेंगी, तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनमें से कुछ भी अप्लाई हो सकता है. सो बिफोर सॉल्विंग मैंने आपको सारा रिकॉल कराया, मैं यहाँ पर साइड में सारे फॉर्मूले फिर से लिख रही हूँ, क्योंकि हम जब क्वेश्चन में लगाएंगे तो मैं आपको यहाँ से वो फॉर्मूलेज बताऊंगी. इफ बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट and the sign is multiplication, then power will be added. Same with division, power will be subtracted. इसी को हमने पढ़ा, जब basis different हो but power same हो तो आप उसे ऐसे whole लिख सकते हैं. Same हमने division के लिए पढ़ा, ये मैं एक साथ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको easily समझ में आए. ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा समथिंग टू द पावर 0 इज 1, एंड एडिशनल हमने पढ़ा इफ़ वी आर हैविंग पावर नेगेटिव देन यू कैन राइट इन दिस वे और इन दिस वे, और पावर को आपने नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. ये फॉर्मूलेज मैंने साइड में लिख दिए. नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चंस. सिंपल से क्वेश्चन पहले एक दो लेंगे जिससे आपको रिकॉल हो जाए, लाइक आई हैव -2/5 to the power -1/4. यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पावर नेगेटिव है. ये पावर है, पावर 1/4 मीन्स इट इज़ इन फ्रैक्शन बट इट इज़ नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला. यहाँ पर बेस क्या है, -2/5. एक सिंपल मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि इजीली आपको समझ में आ जाए. एंड पावर क्या है, -1/4. पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला एप्लीकेशन लगाएंगे. सो हमारा क्या होगा, -2/5 to the power -1/4 विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, तो हम बेस को रेसिप्रोकेट कर देंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर कर दिया, सो पावर इज दिस. ठीक है, ये हुआ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. अब हम और एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उसे करेंगे. 1/ ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है 1/ समथिंग और उसमें भी पावर क्या है, नेगेटिव. हमारा पर्पस क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना. सो हम एक एक स्टेप इसे सॉल्व करेंगे. 1/ सबसे पहले हम 2/1 to the power -3 लिख सकते हैं. अभी यहाँ पर मैंने कन्वर्ट नहीं की नेगेटिव को पॉजिटिव में, केवल मैंने उसे प्रॉपरली अच्छे से लिखा है. ठीक है, पावर इज स्टिल इन नेगेटिव. नाउ माई नेक्स्ट स्टेप विल बी 1/2/1 था तो क्या हो जाएगा, 1/2 to the power 3.
बेस को हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, सो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो हमने पढ़ा वो कैसे अप्लाई होगा। वन अपॉन, ये होल में है, वन बाय टू टू द पावर थ्री। होल में जब भी हो तो हम उसे इंडिविजुअली लिख सकते हैं, और इंडिविजुअली जब दिया हो तो हम उसे एज ए होल लिख सकते हैं। सो हेयर आई कैन राइट वन टू द पावर थ्री एंड टू टू द पावर थ्री। ठीक है, वन अपॉन फ्रैक्शन, वन अपॉन समथिंग, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो फाइनली इट इज टू टू द पावर थ्री अपॉन वन टू द पावर थ्री। टू टू द पावर थ्री, वन टू थ्री पावर, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आपको ओपन करना आता है। तो इट विल गिव यू आंसर 8 बाय 1 मींस 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन लिया बट उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसको प्रॉपर अरेंज किया जिससे हम उसका रेसिप्रोकल करें और नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई इंडिविजुअली वाली और उसको ओपन करके सॉल्व किया। यहाँ पर 1 टू द पावर 3 था, ये मैंने आपको समझाने के लिए से ओपन कर दिया 1 इंटू 1 इंटू 1, बट 1 की पावर कोई भी हो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लाइक 1 टू द पावर 100 है, तो क्या आप इसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे 100 टाइम्स लिखेंगे, पसंद करेंगे ऐसा लिखना? नहीं, 1 टू द पावर 100 है तो आप इसे डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जस्ट 3 था तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख दिया, बट वेन एवर 1 टू द पावर इज समथिंग वो हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि आप खुद करके देखिए 1 को 100 टाइम्स लिखिए, 1 1 1 1 1 ही रहने वाला है। ठीक है, सिर्फ कहाँ पर चेंज आएगा, जब 0 हो पावर तो उसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। बट ये केस डिफरेंट है, 1 टू द पावर 100 है, 1 टू द पावर 200 है, 1 टू द पावर माइनस 2 है, 1 टू द पावर माइनस 5 है, कुछ भी दिया हुआ इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप ये नहीं भी लिखते और इसकी जगह पर 1 लिख देते तब भी वो कंसिडरेबल ही है। ठीक है, तो ये हमने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ी। नाउ द नेक्स्ट इज 3/8 टू द पावर माइनस 2 एंड 4/5 टू द पावर माइनस 3। अभी तक हमने सिंगल टर्म पढ़ी, अब हमने मल्टीप्लीकेशन ले लिया दो टर्म्स का। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले देखेंगे दिस इज बेस एंड दिस इज नेगेटिव, तो हमारा फर्स्ट पर्पस इज इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हेयर ऑल्सो पावर इज नेगेटिव, सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट नेगेटिव पावर इंटू पॉजिटिव। फाइन, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। कुछ इस तरह दिख रहा है आरएचएस पार्ट, कोई फ्रैक्शन है उसकी पावर है m, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअली ओपन हो जाएगी। तो हम इसे 8 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 अपॉन 4 टू द पावर 3। नाउ आई विल ओपन ऑल द टर्म्स, 8 टू द पावर 2 को आई कैन राइट 8 इंटू 8, 3 इंटू 3 सिंपल फ्रैक्शन है जो आप पढ़ चुके हैं, आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, जो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे, 2 और ये 2 मिलके 4 से कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव एज ए रिजल्ट 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 125 अपॉन 3 इंटू 3 इज 9, ये सारे कैंसिल हो गए हैं उधर 8 से। ठीक है, सो योर आंसर इज 125 अपॉन 9। बेस और पावर अगर आपको समझ में आ जाए और उनका कन्वर्शन कैसे अगर वो समझ में आ जाए, तो पावर से इजी कोई चैप्टर ही नहीं है एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक में ये माना जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 2 माइनस 2 अपॉन 7 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 अपॉन माइनस 5 टू द पावर 2। अभी तक हमें सिंगल टर्म थी, फिर दो टर्म थी, पावर नेगेटिव थी, बट टर्म्स पॉजिटिव थे, मींस बेस जो थे पॉजिटिव थे। यहाँ पर बेस क्या कर दिए, नेगेटिव कर दिए। नो नीड टू वरी, हमें जो प्रॉपर प्रॉपर्टी अप्लाई करना पता है, बेस कुछ भी हो पावर नेगेटिव है तो हम उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज माइनस 2/7, तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा माइनस 7/2, रेसिप्रोकेट हो गया एंड पावर क्या हो गई, 4। एंड
इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव पावर. फाइन, अब हम इसे ओपन कर देंगे. माइनस सेवन फोर टाइम्स है तो विल राइट माइनस सेवन फोर टाइम्स अपॉन टू इज ऑल्सो फोर टाइम्स. इसको एक छोटा सॉरी एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, यहाँ फिर से मैं आपको बताऊंगी. इसे हम ऐसा लिखेंगे माइनस सेवन टू द पावर फोर एंड टू टू द पावर फोर. सिमिलरली यहाँ भी लिखेंगे माइनस सेवन टू द पावर टू एंड फाइव टू द पावर टू. राइट, ये स्टेप मैंने यहाँ मिस कर दिया, ये आप एक और नोट डाउन करेंगे. नाउ उसके बाद हम इसे ओपन कर देंगे. माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन अपॉन फाइव इंटू फाइव, बीच का ये स्टेप आएगा देन ये स्टेप आएगा. ठीक है, अब क्या होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सब बेसिस क्या है, सेम है, इनकी कोई पावर नहीं है. मीन्स मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इनकी पावर क्या है, वन है. ठीक है, यहां पर साइड में आप देखिए बेस अगर सेम है, कुछ भी दिया है, बेसेस आर सेम देन पावर क्या होंगी, सारी की सारी ऐड हो जाएंगी. ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है. तो यहां पर हम वही अप्लाई करेंगे, माइनस सेवन टू द पावर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कितने टाइम्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारे सेवन हमारे कलेक्ट हो गए. नीचे ये टू टू द पावर फोर हो जाएगा, इसको भी आप वन 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 करके लिख सकते हैं, सॉरी लिख ही लीजिए, एक स्टेप और आपके लिए एडिशनल कर देती हूँ मैं. एंड फाइव टू द पावर वन प्लस वन, आई थिंक यहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट मैंने आपको स्टेप समझाने के लिए लिखा है. ठीक है, तो क्या होगा, माइनस सेवन टू द पावर सिक्स अपॉन टू टू द पावर फोर एंड फाइव टू द पावर टू विल बी योर आंसर. राइट, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बट जो बेसिस और पावर थे कुछ अलग टाइप के देते, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया. ठीक है, सो नाउ आई हैव माइनस सेवन टू द पावर सिक्स अपॉन दिस. अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं एज इट इज भी, इसके बाद चाहें तो आप इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं. कैसे वो देखेंगे, देखिए माइनस सेवन टू द पावर सिक्स, सबसे पहले माइनस जो है वो सिक्स टाइम्स है तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ. ठीक है, कैसे वो देखिए, लाइक आई हैव माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो इट इज ऑलवेज वन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, तो आप क्या करते हैं नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री टाइम्स आ रहा है तो नेगेटिव होगा. सिमिलरली यही माइनस टू अगर फोर टाइम्स आ रहा है, ये आप इंटीजर्स में फिफ्थ सिक्स सेवन में पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, माइनस टू फोर टाइम्स आ रहा है तो आप टू को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और साइन कैसे डिसाइड करेंगे, माइनस एक दो तीन चार बार आ रहा है, फोर टाइम्स वी आर हैविंग माइनस साइन सो इट विल कन्वर्टेड इंटू पॉजिटिव. मीन्स इवन नंबर्स आता है, अगर साइन जो है वो इवन नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा. लाइक यहाँ पे दो थे तो आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव. यहाँ तीन थे तो आंसर इज इन नेगेटिव. यहाँ चार बार साइन आ रहा है तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव. फाइव बार आएगा तो आंसर विल बी इन नेगेटिव. सिक्स टाइम्स जब आएगा तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव. तो मैं माइनस सेवन को सिक्स टाइम्स अगर लिखती हूँ मल्टीप्लाई करके, यहां से भी हम कर सकते थे, तो ये डायरेक्टली सेवन टू द पावर सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ना सेवन टू द पावर सिक्स का मतलब है सेवन को आप सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन. आप सेल्फ करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ वन वन सेवन सिक्स फोर नाइन. टू टू द पावर फोर इज ऑलवेज इक्वल टू सिक्सटीन एंड फाइव टू द पावर टू इज ट्वेंटी फाइव. सो फाइनली यूअर आंसर इज दिस अपॉन 400. ठीक है, मीन्स जो भी नेगेटिव था वो सिक्स टाइम्स रिपीट हो रहा था इसलिए वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और बाकी आपने सिंपल उसे ओपन कर दिया. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
माइनस वन अपॉन फोर टू द पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन फोर टू द पावर माइनस सेवन। देखिए अभी हमने इसे प्रीवियस जो क्वेश्चन लिया था वहां पे बेस भी डिफरेंट थे, पावर भी डिफरेंट थी, बट यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो सेम है। सो हेयर यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ व्हेन बेसेस आर सेम एंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट, और यू कैन कन्वर्ट नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन यू कैन सॉल्व। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगी। नाउ बेसेस आर सेम, पहले आप लिख लें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेस क्या है यहाँ पर, माइनस वन बाई फोर, और पावर तो डिफरेंट है, दिख ही रही है, तो लिखने का कोई सेंस नहीं है। व्हेन बेसेस आर सेम तो पावर विल बी एडेड, माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन, ये जो दोनों पावर हैं इनको मैंने ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। दिस ब्रैकेट ओपन हुआ means माइनस वन बाय फोर टू द पावर माइनस ट्वेल्व, सेवन फाइव इज ट्वेल्व। नाउ यू कैन कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो योर आंसर इज माइनस फोर बाय वन टू द पावर ट्वेल्व। अब आप माइनस फोर को ट्वेल्व टाइम्स ओपन करिए, माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर ट्वेल्व टाइम्स लिखेंगे। इवन है तो एज आई टोल्ड यू इट विल कन्वर्ट इंटू फोर टू द पावर ट्वेल्व, और वन की तो कोई भी पावर है आप उसे वन ही लिखेंगे। अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको निकालना है अगर, तो फोर का ट्वेल्व टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर ही इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट तरीके से किया जब मैंने बेस को सेम कंसीडर किया एंड पावर डिफरेंट थी, तो वो वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास में। ना दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड, बिकॉज यू आर नॉट बाउंडेड, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वैसा इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई एम कन्वर्टिंग नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, सो आई कैन राइट दिस, हेयर ऑल्सो आई कैन राइट दिस। पावर को पॉजिटिव बनाया तो बेस को मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया। अब मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, वन का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बेसेस आर सेम पावर विल बी एडेड, बिकॉज ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लाई, माइनस फोर टू द पावर ट्वेल्व, और इसको ही आप फोर टू द पावर ट्वेल्व लिख सकते हैं, बिकॉज पावर जब इवन होती है तो नेगेटिव जो है वह एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये हमने दोनों तरीके से किया, जो बेटर आपको लगता है आप उसे फॉलो करें, बट सही करें। अपना पर्पस क्या है कि जो भी हम अप्लाई करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से केयरफुली अप्लाई करें। ठीक है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। 4 टू द पावर माइनस वन प्लस 8 टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 टू द पावर माइनस वन। पावर सारी नेगेटिव में है और ऑपरेशन से कुछ अलग से अलग है, तो हम धीरे धीरे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ नेगेटिव है पावर, सो आई कैन राइट इन दिस वे। फॉर्मूले पे आएंगे हमारे, इफ वी हैव एक्स टू द पावर माइनस एन देन वी कैन रेसिप्रोकेट द बेस, और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर दिस और दिस। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली आई कैन राइट दिस। अभी हमने इसे सॉल्व, या साइमल्टेनियसली आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट टर्म है, 3 बाई 2 टू द पावर 1, बेस को रेसिप्रोकेट कर दिया। नाउ 1 बाय 4 टू द पावर 1 को आई कैन राइट दिस, बिकॉज कोई सेंस नहीं है पावर 1 लगाने का, तो हमने ऐसे लिख दिया। डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 टू द पावर 1 है, मीन्स इट इज इक्वल टू 3 बाय 2। एलसीएम लेंगे, 8 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, बाकी जो है आपका एज इट इज। सो 2 प्लस 1 बाय 8 मीन्स 3 बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2। अब हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा। सो 3 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्म रेसिप्रोकेट हो जाएगी, 3
थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएंगे एंड टू और एट कैंसिल होकर रिजल्ट देगा 1/4. सो योर आंसर विल बी 1/4. ठीक है, कुछ नहीं, सारी प्रॉपर्टी का मिक्सचर था, हमने वो अप्लाई किया एंड योर फाइनल आंसर इज 1/4. सो स्टूडेंट, अभी हमने जो क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा कि अभी ज़्यादातर जो है वो ये प्रॉपर्टी और ये अप्लाई हुई. अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इफ आई हैव 1/2 प्लस 3/2 टू द पावर 2 है, तो क्या हम इसे 1/2 प्लस 1/2 टू द पावर 2 एंड 3/2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं? नहीं. व्हाई? बिकॉज ये जो दो टर्म है इनके बीच में ऑपरेशन क्या है? प्लस. ये सिचुएशन हमने पढ़ी, बट जब पढ़ी जब इनके बीच में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तब आप इजीली लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2. तो अभी अब जब हम इन प्रॉपर्टीज पे बेस क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिचुएशन में आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, देन ओनली यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड टू इस तरीके से या राइट को इस तरीके से, ठीक है. बट ऐसा आप नहीं लिख सकते, ठीक है. एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि कौन सी सिचुएशन में हमें क्या लिखना है. लाइक आई हैव 2 + 3 टू द पावर -1. सो क्या हम 2 to the power -1 + 3 to the power -1 लिख सकते? नेवर, बिकॉज द ऑपरेशन इज प्लस. जबकि यही हमने प्रॉपर्टी कब पढ़ी है? इफ वी हैव दिस देन वी कैन राइट दिस. सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी मुझे ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये एक बार रिवाइज कराया. अब हम क्वेश्चन लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और डिवाइड में एप्लीकेबल हो रही है, पर प्लस और माइनस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो रही, ठीक है. नाउ आई हैव क्वेश्चन 1/4 प्लस 1/2 + 1/3, ठीक है. इस क्वेश्चन को अगर हम एक इंस्टेंस पे बिल्कुल ध्यान से देखें तो हम इसे, इस क्वेश्चन को अगर हम ज्यादा ध्यान से नहीं देखें तो हम ऐसे फटाक से लिख सकते हैं. ऐसा हमें क्लिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे ध्यान से नहीं पढ़े तो हम इसे इमीडिएटली ऐसा लिख सकते हैं. बट क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बीच में क्या आ रहा है? प्लस. अगर ये क्वेश्चन 1/4 टू द पावर -2, 1/2 टू द पावर -2 एंड 1/3 टू द पावर -2 होता, तब हम इसे 1/4, 1/2, 1/3 टू द पावर -2 लिख सकते थे. बट दिस इज नॉट आवर सिचुएशन. आवर सिचुएशन इज प्लस, ठीक है. ये मैं आपको इंटेंशनली बता रही हूँ क्योंकि हम जनरली जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें एकदम से लगता है और यार हम ये वाली प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं, बट वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. सो हम इसे सिंपल वे में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं लग रही. सो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट नेगेटिव पावर इंटू पॉजिटिव. सो माई फर्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस. प्लस 3/1 टू द पावर 2, सिंपल कन्वर्शन ऑफ नेगेटिव पावर, ठीक है. नाउ इसको 4/1 को मुझे बार बार 1 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 जो है उसे हम स्किप भी कर सकते हैं. 4 टू द पावर 2 मीन्स 4 × 4, 2 × 2, 3 × 3, सो 16, 4 एंड 9, सो इट इज इक्वल टू 29. यही क्वेश्चन का मैं दूसरा सिचुएशन लेती हूँ. 1/4 टू द पावर -2, 1/2 टू द पावर -2 एंड 1/3 टू द पावर -2. एक लाइन में आप इसे इमीडिएटली ऐसा लिख देंगे, ठीक है, 1/4.
फोर थ्री ज़ार 12, टू ज़ार 24, टू दी पावर -2, एंड नेगेटिव पावर हम जनरली नहीं लेते, तो हम इसे ऐसा लिख देंगे, वन भी डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, सो योर आंसर विल बी 24 टू दी पावर 2, और आप उसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ह्यूज डिफरेंस है, वो है ऑपरेशन का, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन प्लस या माइनस था जो भी है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, तो प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, फाइन। नेक्स्ट इज 6 टू द पावर -1 प्लस 3/2 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव है और उनका भी होल टू द पावर क्या है, नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप वही रिकॉल कराऊंगी कि यहाँ पर भी हम ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोचेगी इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, नहीं, बिकॉज द ऑपरेशन इज प्लस। ये ही अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो क्वेश्चन कुछ और होता, ठीक है। तभी हमको इसको सिंपल सॉल्व करना है, इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। नाउ इसको हम प्लेन 1/6 लिख सकते हैं और इसे प्लेन 2/3, वाई, बिकॉज इनकी पावर 1 है, इट मीन्स ये नंबर इटसेल्फ है। इसका हम एलसीएम लेंगे, 6 1 6, 3 2 6, ये होल टू द पावर -1 है। इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, देखिए दिस इज 1 प्लस 4 अपॉन 6 टू द पावर -1, 5 अपॉन 6 टू द पावर -1, सो ये हो जाएगा 6/5 टू द पावर 1, एंड फाइनली योर आंसर इज 6/5। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया, सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन बाद में मिडिल ब्रैकेट को, ठीक है, जो भी बाद में दिया हुआ था, सो ये हमारा आंसर आ गया। लेट्स से यही सिचुएशन ऐसा होता, 6 to the power -1 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power -1 एंड होल टू द पावर -1, तो आप कैसे करते, यस, नाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूलाज। इसकी पावर भी -1, इसकी पावर भी -1, मीन्स पावर्स आर सेम, बेसिस आर डिफरेंट, तो आप इसे कैसे करते, 6 × 3/2 टू द पावर -1, ठीक है। अब ये क्या होता, कट डाउन हो जाता, 3 3 हो जाता है ये 9 to the power -1 होल टू द पावर -1। अब आप पहले इंटरनल टर्म सॉल्व करते, होल टू द पावर -1, एंड अगेन रेसिप्रोकेट हो जाता, तो ये हो जाता 9 to the power 1 मीन्स 9, क्योंकि किसी की भी पावर 1 हो तो वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है। देखिए आपके सामने ही दोनों सिचुएशन है, मैंने दोनों अलग अलग लेके सॉल्व करके आपको बताया, इसका आंसर 9 आ रहा है, उसका आंसर 6/5 जो भी आ रहा है, मीन्स कितना ह्यूज डिफरेंस है, अगर प्लस का इंटू कर दे या इंटू का प्लस कर दे दो, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिए, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करिए। अब मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेती हूँ,